नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं शंकर दत्तपंत। नजर डाल लेते हैं गुजरात की तमाम बड़ी खबरों पर। गुजरात में अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा, गुजरात के लोगों से मुझे खूब प्यार मिल रहा है, मौसम चुनावी है तो वादे भी खूब हो रहे हैं। आपने वादा किया, दिल्ली और पंजाब में आशा कार्यकर्ताओं की मांगों को पूरा किया, गुजरात में भी सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। साथ ही कहा कि गुजरात के लोगों को मुफ्त में अयोध्या के रामलला के दर्शन कराएंगे, युवाओं के रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, युवाओं को रोजगार मिलने तक 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। आज पूरे गुजरात में एक गजब की आंधी चल रही है, बदलाव की आंधी। मैं देखता हूं टीवी में, ये मीडिया वाले भी माइक लगाते हैं सड़क पे, पूछते हैं इस बार क्या माहौल है, कहते बदलाव। दूसरे से क्या माहौल है, बदलाव। चारों तरफ बदलाव बदलाव बदलाव। कुछ तो माता की कृपा हो रही है कि नहीं हो रही है, कुछ तो ऊपर वाले की झाड़ू चल रही है। गजब का माहौल है चारों तरफ। किस किस को बदलाव चाहिए, हाथ खड़ा करके बताइए। सबको बदलाव चाहिए। गुजरात युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित गुजरात युवा परिवर्तन यात्रा राधनपुर पहुंची और राधनपुर शहर कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस कमेटी ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान तालुक और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। यात्रा में प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस आदित्य झूला व राधनपुर विधायक रघुभाई देसाई भी शामिल हुए। गुजरात में चुनावी मौसम चल रहा है, नेताओं के खूब दौरे भी हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता गुजरात के दौरे पर हैं और जनता में भरोसा जगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। गुजरात पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि गुजरात के लोगों ने बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है। एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि आपके हक में चलने वाली हवा आंधी में बदल गई है। कांग्रेस पर बरसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस गुजरात में बदलाव का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है, लेकिन पार्टी एमएलए एक्सचेंज पार्टी बनकर रह गई है। आओ इकट्ठे होके झाड़ू। मुझे पत्रकारों ने पूछा, अपने आंधी कैसे रोक दी? मैंने कहा कौन सी आंधी? बीजेपी की। दिल्ली और पंजाब में आंधी कैसे रोक दी? मैंने कहा बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले कमल। मैंने कमल कहां उगता है? कीचड़ में। मैंने कहा हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? बोले झाड़ू। मैंने कहा झाड़ू क्या करता है? कीचड़ की सफाई। मैंने कहा हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, कमल उगे ही नहीं दिल्ली और पंजाब में। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गुजरात पहुंचे। गुजरात की शिक्षा व्यवस्था को बदलने का उन्होंने बड़ा ऐलान भी किया। सिसोदिया ने कहा कि 8 शहरों में हर 4 किलोमीटर पर एक बड़ा सरकारी स्कूल बनेगा। अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, जामनगर, राजकोट, भावनगर, गांधीनगर और जूनागढ़ में बड़े स्कूल बनने की बात मनीष सिसोदिया ने कही। सिसोदिया ने कहा कि TAT परीक्षा 1 साल में होगी, विभाग में एक भी शिक्षक सहायक का पद खाली नहीं होगा। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी के वादों पर गुजरात की जनता कितना भरोसा करती है। गुजरात कांग्रेस ने एक बार फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मैदान में उतारा है। अशोक गहलोत गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वो 17 और 18 अक्टूबर को उत्तरी गुजरात के राधनपुर और थराद में जनसभा करेंगे। उनका 17 और 18 तारीख को गुजरात के राधनपुर में जनसभा करने का कार्यक्रम था। युवा कांग्रेस की युवा परिवर्तन यात्रा के समापन में भी वो हिस्सा लेंगे। 18 अक्टूबर को थराद में रोड शो और एक जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। आज जो महंगाई बढ़ी है, अब अहम घमंड में सरकार चल रही है, परवाह नहीं कर रही है कि महंगाई भी कोई चीज है। भयंकर महंगाई, भयंकर बेरोजगारी है पूरे मुल्क के अंदर। अछूता आपके गुजरात में नहीं है। तमाम तरह के हालात ये बताते हैं कि इस बार ये आप पार्टी अलग से अप्रोच कर रही है, झूठे वादे कर रही है। आप देख रहे हो किस प्रकार केजरीवाल बोल रहे हैं, तो ये तमाम लोग एक्सपोर्ट हो जाएंगे। एक बार मौका वापस कांग्रेस देंगे आप लोग, गुजरात के हमारे मतदाता, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो स्कीमें राजस्थान में लागू की हमने, जिसका मैंने जिक्र किया, तमाम वो स्कीमें गुजरात में लागू की जाएगी, ये मैं कह सकता हूँ। गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन आरोग्य योजना माँ अमृत योजना के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड बांटने के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर पीएम मोदी ने 3 लाभार्थियों के साथ बातचीत की। गुजरात में योजना के तहत 50 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को योजना का लाभ मिलना है।
दरअसल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की केंद्र की पीएमजेएवाई योजना को 2019 में गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा अमृतम और मुख्यमंत्री अमृतम वात्सल्य स्वास्थ्य योजना के साथ एकीकृत किया गया था। हलोल झील में अनगिनत मछलियों की रहस्यमय मौत से हलोल संरक्षणवादियों में आक्रोश है। दरअसल हलोल शहर के बीच में एक तालाब में रहस्यमय परिस्थितियों में कई मछलियां मृत पाई गई। घटना के बाद से पर्यावरणविदों में आक्रोश है। अब लोगों ने मांग की है कि मामले पर कार्रवाई की जाए। मछलियों की मौत किस वजह से हुई इसकी जांच की जा रही है, लेकिन झील को सुंदर और स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी भी नगर पालिका सही ढंग से नहीं निभा पा रही है। झील को सुंदर और स्वच्छ रखने के लिए लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद पूरी झील गंदगी से पटी नजर आती है। अरावली के धनसुरा तालुक के कानपुर कंपा प्राइमरी स्कूल में शिक्षा के साथ साथ मातृ मूल्यों के साथ संस्कृति को बढ़ावा देने का एक प्रेरक उदाहरण देखा गया। दरअसल कानपुर कंपा प्राइमरी स्कूल सेंट पहली से पांचवी तक के छात्र रोजाना पढ़ने आते हैं। जैसे ही छात्र आते हैं, शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर होठ, दिल, पंजे और हाथ खींचती है और हर छात्र के साथ उनके द्वारा दिखाए गए निशान के साथ ही वो व्यवहार भी करती है। गुजरात में 14वीं विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में बीजेपी सरकार के चुनाव से पहले आज आखिरी कैबिनेट की बैठक है। बैठक में भारी बारिश के कारण फसल को हुए नुकसान के खिलाफ किसानों को सहायता पैकेज सहित सरकारी भर्तियों और नागरिकों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण फसलों की घोषणा की जा सकती। राज्य सरकार ने कल उज्ज्वला योजना का लाभ उठाने वाले गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों को सीएनजी और पीएनजी गैस पर वैट में 10% की कटौती और साल में 2 सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा की। गीर में तलाला में राशन अनाज बेचने का घोटाला सामने आया है। 4 लाख से ज्यादा का अनाज जब्त किया गया है। एलसीबी को सूचना मिली कि तलाला गिर तालुका के गरीब परिवारों और सरकार द्वारा अनुमोदित दुकान राशन कार्ड पर दिए जाने वाले चावल और गेहूं की एक बड़ी मात्रा चित्रवाड़ गिर गांव में इकट्ठी की गई और मात्रा यहां से ले जाई जा रही थी, जिसके आधार पर एलसीबी स्टाफ ने सूचना के बाद छापेमारी की कार्रवाई की। गुजरात की खबरों में फिलहाल आज के लिए इतना ही। जनभावना टाइम्स पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।